हे गाइस, फाइनली वन प्लस नॉर्ड 3 को चाइना में लॉन्च कर दिया है। मतलब वन प्लस एस टू बी को लॉन्च कर दिया। ये जो फोन है वन प्लस एस टू बी, यही फोन इंडिया में जब आएंगे तो गाइस वन प्लस नॉर्ड 3 नाम से आने वाला है। तो गाइस इस फोन को चाइना में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। क्या प्राइसिंग के साथ ये चाइना में लॉन्च हुआ है एंड इंडिया में जब आएंगे तो गाइस क्या प्राइसिंग पे ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और गाइस इसके स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाला है, एंड सबसे बड़ा बात, क्या भाई इस फोन के लिए आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं। इस फोन के लिए अब जरूर से आपको वेट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो आपको लास्ट में बताएंगे। तो भाई लास्ट तक जरूर देखते रहिए, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इसी वन प्लस एस टू बी ए का वन प्लस नॉट 3 के बारे में। तो गाइस ज़्यादा बातें नहीं करके वीडियो को हट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस फोन की स्पेसिफिकेशन, बाद में इसका प्राइसिंग एंड इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पर यह लॉन्च होने वाला है एंड क्यों इसके लिए आपको वेट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस फोन के डिज़ाइन। तो गाइस डिज़ाइन कुछ इस तरह आपको देखने के लिए मिलेंगे, पीछे दो कैमरा बम्प मिलेंगे एंड दो फ्लैश लाइट दे रखा है। भाई दो फ्लैश लाइट इधर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे एंड पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आते हैं। सामने आपको मिडिल पंचोल सेल्फी कैमरा निकले मिल जाएंगे। OnePlus Ace 2 भी बहुत ही कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले। तो 6.7 इंच का एक 1.5K मतलब QHD डिस्प्ले के साथ ये आने वाला। साथ में भाई AMOLED डिस्प्ले तो है ही, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही कमाल के फोन निकल के आ रहा है एंड डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छे होने वाला है। बट इधर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिलेंगे, इधर आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएंगे OnePlus की तरफ से। बात करेंगे इस फोन की प्रोसेसर जो कि चिपसेट, जो मेन हाइलाइटेड फीचर्स होने वाला है वो है इस फोन में आपको मिलेंगे MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट, जो कि बहुत ही कमाल के प्रोसेसर है। 4 NF पे बेस करके इसको बनाया गया है, बहुत ही बैटरी एफिशिएंसी है, बहुत ही कम आपके बैटरी को कंज्यूम करने वाला है एंड लंबा देर तक आपके बैटरी बैकअप जाने वाला है। साथ में इसका जो एंटू डोबेशन निकल के आते हैं ना भाई, 10 लाख के ऊपर इसका एंटू डोबेशन निकल के आ जाते हैं, मतलब खतरनाक परफॉर्मेंस आपको निकल के दे देंगे। साथ में इसमें आपको मिलेंगे LPDDR5X वाला रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ ये फोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही कमाल की स्पीड भी आपको रीड रेड स्पीड बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे इस फोन में। एंड साथ में बात करेंगे इस फोन की कैमरास, तो कैमरा पीछे 3 मिलेंगे, 64 का मेन कैमरा, साथ में 8 का अल्ट्राइट, 2 का मैक्रो, जो है लेजेंडरी मैक्रो, मैं बोलता हूं भाई लेजेंडरी मैक्रो आपको मिलेंगे। साथ में 16 मेगापिक्सल का एक मिडिल पंचोल सेल्फी कैमरे के साथ ये आते। प्राइस के हिसाब से कैमरा ठीक ठाक होने वाला है, ठीक है। साथ में बात करेंगे इस फोन की बैटरी, तो कि 5000 mAh की बड़ा बैटरी दे रखा है। साथ में 80 वाट का फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही जल्दी आपके बैटरी को भी यह चार्ज कर डालेंगे। साथ में टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलेंगे, एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलेंगे। ऑक्सीजन वॉइस के साथ आने वाला है, मतलब जब ये इंडिया में आएंगे तो भाई डेफिनेटली ऑक्सीजन वॉइस के साथ ही आने वाला है। साथ में वाईफाई, ब्लूटूथ, सारे के सारे सेंसर्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बस ये था इसका मेन हाईलाइटेड फीचर्स। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इस फोन की प्राइसिंग, मतलब जो चाइना में लॉन्च किया गया। चाइना में टोटल आपको 3 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, बट इसका जो बेस वेरिएंट है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ जो लॉन्च हुआ है, उसका प्राइसिंग रखा गया चाइना में भाई 27,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से भाई 27,000 में ये चाइना में लॉन्च हुआ है। तो इस इंडिया में जब ये फ़ोन आएंगे तो डेफिनेटली अगर 12 GB 256 GB लॉन्च होंगे तो इसका प्राइसिंग होने वाला है अंडर 35,000 रुपीज़ में ये फ़ोन आपको इंडिया में मिलेंगे, अगर 12 GB 256 GB के साथ इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होने वाला है। अगर भाई 8 GB 128 GB के साथ इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होंगे तो गाइस इसका प्राइसिंग डेफिनेटली आपको 30,000 देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि भाई चाइना में 12 GB 256 GB आपको 27,000 में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों डेफिनेटली ये इंडिया में भाई 30,000 के अंदर में आने वाला है, अगर गाइस 8 GB 128 GB के साथ इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होंगे तभी। अगर 12 GB 256 GB के साथ ही आएंगे इंडिया में तो डेफिनेटली इसका प्राइसिंग 35,000 के अराउंड देखने के लिए मिल जाएंगे एंड बैंक ऑफर भी आपको मिलेंगे इस फोन के साथ। तो गाइस इस फोन के लिए आपको जरूर से वेट करना चाहिए, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आ रहा है, मुझे तो अच्छा लगा इसके स्पेसिफिकेशन। इसमें आपको LPDDR4X वाला रैम मिलेंगे, UFS 3.1 स्टोरेज मिलेंगे, 9000 का एक बहुत ही कमाल के पावरफुल प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे फोन निकल के आ रहे हैं मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छा है। एंड डिस्प्ले वगैरह भी QHD डिस्प्ले दे रखा है, 1.5K QHD डिस्प्ले एंड साथ में AMOLED डिस्प्ले तो है ही, बहुत ही अच्छे फोन निकल के आ रहे हैं। 5080 वाट फास्ट चार्जिंग मेरे हिसाब से इस फोन के लिए आप जरूर से डेफिनेटली वेट कर सकते हो। और दोस्तों कैसा लगा ये फोन आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो, एंड ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो चल के जरूर से लाइक कर देना अपने भाई के लिए। तो कहीं चलते हैं, मिलते किसी नेक्स्ट और कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।